आज की जो वीडियो हम लेकर आए हैं, इस गोभी से आप कोई डिश बनाएं तो सबसे पहले ये प्रोसेस जरूर फॉलो करें। जब ये कॉलीफ्लावर लेते हैं रेसिपीज के लिए तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वर्म्स की। जब ये सीजन में आते हैं तब भी इसमें वर्म्स होते हैं और जब ये सीजन आगे निकल चुका होता है तब भी इसमें वर्म्स आने लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस कॉलीफ्लावर को क्लीन करने की। ऐसे तो बहुत से तरीके हैं कॉलीफ्लावर को क्लीन करने की और इसके वर्म्स को हटाने की। आज हम बहुत ही आसान तरीका लेकर आए हैं कॉलीफ्लावर क्लीन करने के, जिससे इसके फ्लेवर में कोई भी फर्क नहीं आएगा, बल्कि ये और ज्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगा। मार्केट में जब इसे लाया जाता है तो ये बोरी में बंधा होता है, जिसकी रगड़ की वजह से इसमें इस तरह का निशान बन जाता है। तो घर में इसे ब्लांच करके इसमें सिरका डाल के इसे बाज लोग क्लीन करते हैं, लेकिन आज हम सिरके का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिरका डालकर क्लीन करने से ये क्लीन तो हो जाता है लेकिन फ्लेवर में इसके फर्क आ जाता है। हम एक नए तरीके से इसके वर्म्स को हटाएंगे, जिससे इसके फ्लेवर में कोई फर्क नहीं आएगा। उसके बाद हम इसकी सफाई करेंगे। गोभी को हम लो फ्लेम में जलाएंगे। जलाने का मतलब ये है ना कि अंदर जो वर्म्स होते हैं वो इसकी हीट की वजह से मर जाएंगे, या फिर इसकी हीट की वजह से वो वर्म्स जो है बाहर आ जाते हैं। तो फ्लेम यहाँ पर हम लो रखेंगे, हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं जलाएंगे, वरना बहुत ज्यादा गोभी हमारी जल जाएगी। इस तरह घुमा घुमा कर चारों तरफ हम अच्छी तरह इसको हीट देंगे। गोभी क्लीन करने के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका और इससे जो है फ्लेवर में कोई फर्क नहीं आता। आपका फ्लेवर गोभी का वही रहेगा। इस तरह आप करके इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी फ्रिज में आपने इसे किस तरह स्टोर करना है, फिर आप इसे निकाल कर किसी भी रेसिपी में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका काम आसान हो जाएगा। तो अच्छी तरह ये देखिए चारों तरफ से हमने गोभी को जला लिया, इसके अंदर से धुआं आने लगा है, मतलब अंदर से अच्छी तरह ये हीट हो चुका है। अंदर अगर इसके वॉर्म्स हो गए तो वो खत्म हो चुके होंगे। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। 6 से 7 मिनट तक हमने इसको जलाया है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी कटिंग करेंगे। पहले स्टेप पार्ट से कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम इसके लीफ हटाएंगे छुरी की मदद से। इस तरह ये आसानी से अलग हो जाएंगे, फिर हम हाथ से एक एक करके इसे अलग करेंगे। ये आसानी से अलग हो जाते हैं, फिर छुरी की मदद से हम इसे अलग करेंगे। इसके स्टेप पार्ट को हम जाया नहीं करेंगे, स्टेप पार्ट को भी हम क्लीन करके रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि गोभी के फूलों के साथ। तो किस तरह हम इसे क्लीन करेंगे आगे आपने वीडियो देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। फिर ये नहीं कहिएगा कि हमने आपसे काम की बात शेयर नहीं की। स्टेप पार्ट हमने काट के अलग कर दिया है। अब हम गोभी को क्या करेंगे, दो हिस्से में काटेंगे। दो हिस्से में करने के बाद इसमें से हम चंक्स निकालेंगे। तो चंक्स जो आप अपनी पसंद से छोटे बड़े निकाल सकते हैं। इसके बाद हम नाइफ की मदद से इसकी क्लीनिंग करेंगे, फिर हाथ से तोड़कर इस तरह रखेंगे। इसके चंक्स जो हम थोड़े बड़े लेंगे, इसलिए कि हम इसे ब्लांच करेंगे, इसलिए इसके चंक्स हमने थोड़े बड़े रखे हैं, क्योंकि रेसिपीज में ये डालने के बाद, ये सॉफ्ट होने के बाद खुद ही इसके जो चंक्स है वो अलग हो जाएंगे, मतलब कि छोटे छोटे हो जाएंगे। कॉलीफ्लावर के चंक्स अलग करने के बाद अब हम स्टेप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो स्टेप पार्ट की कटिंग हम किस तरह करेंगे अभी आपने गौर से देखना है। तो ये छोटे से स्टेप पार्ट की कटिंग हमने करके रख ली है। अब इस तरह हम चारों साइड से ऊपर वाले हिस्से को हम नाइफ की मदद से इस तरह निकालेंगे, मतलब कि जिस तरह हम पील करते हैं उस तरह हम इसको छीलेंगे। तो अंदर से ये बहुत ही मजेदार सा हमारे गोभी का जो स्टेप पार्ट का हिस्सा है निकल कर बाहर आएगा। इस तरह हम छोटे छोटे पीसेस में से काट के ले लेंगे। दूसरी तरफ हम चूल्हे पे खुले एक बर्तन में पानी चढ़ाएंगे और फ्लेम हम हाई कर देंगे और फ्लोरेट्स को हम इसमें ब्लांच करेंगे। तो सारे फ्लोरेट्स को हम पानी में ऐड कर देंगे। पानी अच्छी तरह गर्म हो चुका है हमारा। पानी हम बर्तन में इतना लेंगे कि सारे फ्लोरेट्स जो है हमारे अच्छी तरह पानी में डिप हो जाए। अच्छी तरह पानी में डिप करने के बाद इसमें हम बॉयल आने का इंतजार करेंगे। पानी में उबाल आने लगेगा, वैसे पानी का कलर देखें आप चेंज होने लगेगा। इसमें ना हम सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे यानी कि नमक, और ना हम इसमें वाइट विनेगर यानी कि सिरका का इस्तेमाल करेंगे। सिरका डालने से कॉलीफ्लावर के फ्लेवर में फर्क आ जाता है। क्लीन तो अच्छा हो जाता है लेकिन फ्लेवर में थोड़ा फर्क महसूस होगा आपको जब आप सिरका डालकर इस तरह क्लीन करेंगे। तो हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, जस्ट उसके बॉयल आने का इंतजार करेंगे। 2 से 3 मिनट में ये ब्लांच हो जाएगा और अच्छी तरह हमने हिला लिया है कि अंदर कोई वर्म्स होंगे तो वो पानी में बाहर निकल आएंगे। कोई भी वर्म्स नहीं है, पानी हमारा क्लीन है और गोभी हमारा अच्छे से ब्लांच हो चुका है, मतलब कि बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। और जो ब्लैक निशानात आपको नजर आ रहे हैं, तो ये कॉलीफ्लावर को हमने जलाया था, ये उसके निशानात हैं। फ्लोरेट ब्लांच करने के बाद हम इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे, मतलब के नलके के पानी से अच्छी तरह हम धो लेंगे। जब ये अच्छी तरह धुल जाएंगे तो फिर हम पानी से बाहर निकालेंगे, एक अलग बर्तन में से लेंगे। अब फ्रीजर में से किस तरह हम स्टोर करेंगे कि हम इसे रेसिपी में आसानी से इस्तेमाल कर सकें। बहुत ही अच्छी तरह से हमने कॉलीफ्लावर को क्लीन कर लिया और ये ब्राउन से जो निशानात है, हमने जब कॉलीफ्लावर को जलाया था तो ये उसके निशानात है, बाकी क्लीन बहुत अच्छे से ये हो चुका है। अब इसे स्टोर किस तरह करना है फ्रीजर में, तो आधे कॉलीफ्लावर को हम फ्रीजर में स्टोर करेंगे और आधे की हम रेसिपी तैयार करेंगे। फ्लोरेट्स को हम एयरटाइट कंटेनर में ले लेंगे और इसे फ्रीजर में स्टोर कर देंगे। इसे आप जितने भी अरसे चाहें फ्रीजर में रखकर यूज कर सकते हैं, जब दिल चाहे आप इसे निकालें और अपनी रेसिपीज में यूज करें। इसे चाहे आप चिकन में बनाएं, बीफ में बनाएं या फिर इसे आप सब्जी के साथ बनाएं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। हम आपको आलू गोभी की रेसिपी बनाना बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से सब्जियां किस तरह तैयार की जाती है और इनमें टेस्ट क्यों नहीं आता है। बहुत ही आसान तरीके से ये आलू गोभी की जायकेदार रेसिपी हम बनाना बताएंगे। मौसम सरमा शुरू होते ही सबका दिल करता है कि घर पे गोभी बनाई जाए,
तो आज की ये रेसिपी हम अपने तरीके से बनाना बताएंगे। आई होप कि आप सब वीडियो स्किप किए बिना देखिए। इसे रखेंगे हम एक साइड में, दूसरी तरफ चूल्हे में हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे, ऑयल हम 50 ml डालेंगे। ऑयल जब गर्म होने शुरू हो जाएगा तो मेथी दाने के 10 से 12 दाने हम डाल देंगे। 1/2 tablespoon जीरा डालेंगे, थोड़ा क्रैकर करेंगे। जब क्रैकर होना शुरू हो जाएगा तो एक बड़ी साइज़ के प्याज को हम स्लाइस में कटिंग करके डाल देंगे। थोड़ा मिक्स करेंगे, जब ये ट्रांसपेरेंट से होना शुरू हो जाएंगे तो इसमें हम कॉलीफ्लावर डाल देंगे, मतलब कि हम इसमें गोभी डालेंगे। गोभी डालने के बाद हम प्याज के साथ इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। इस तरह क्या होगा कि हमारी जो गोभी की रेसिपी है वो बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगी और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरह हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 8 से 10 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है, प्याज में थोड़ा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया और गोभी में भी थोड़ा सा कलर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन में इसे अलग कर लेंगे, मतलब कि ऑयल से बाहर निकाल लेंगे प्याज और गोभी को। बाकी बचे हुए जो कढ़ाई में प्याज है उसे भी हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम मसाले तैयार करेंगे। तो मसाले में हम 2 tablespoon प्याज का पेस्ट डालेंगे। प्याज के साथ हमने 4 अदद हरी मिर्चों को भी पीस लिया है। हरी मिर्चों से क्या होगा कि हमारे गोभी आलू का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब थोड़ी देर हम इसे भूनेंगे यानी कि सौते करेंगे। इसमें 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, फिर हम इनसे भूनेंगे। मसाले हम अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के दौरान इसमें 1 teaspoon जीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 teaspoon हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 tablespoon हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 tablespoon धनिया पाउडर डालेंगे। मसाले को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब मसाले भुनना शुरू हो जाएंगे तो इसमें हम 1/2 cup पानी डाल देंगे। पानी डालकर मिक्स करेंगे। पानी हम इसलिए डालेंगे कि मसाले हमारे जले नहीं और मसालों को अच्छी तरह हमें भूनना भी है, इसमें से कच्चा पानी इसका ख़त्म करना है। अब इसमें एक बड़ी साइज़ के टमाटरों को हम बारीक काट कर डाल देंगे। अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारे ये मसाला बनकर तैयार होंगे और इसमें हमारी जो रेसिपी तैयार होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। मसाले जब हमारे भुन जाएंगे तो हम इसमें आलू डालेंगे। आलू हमने 3 अदद लिया है, इस तरह क्यूब्स में हम काट लेंगे। आलू की कटिंग आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। आलू डालने के बाद मसालों के साथ हम अच्छे से इसे भुनेंगे। गोभी अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि गोभी को ऑलरेडी हमने भुना हुआ है, मतलब कि वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसमें हम 1 teaspoon सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट हमने नहीं डाला था पहले मसाले में। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे मसालों के साथ आलू को। जब आलू अच्छे से भुना जाएंगे फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे, आलू और मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगे फिर हम इसमें गोभी डाल देंगे। गोभी डालने के बाद फिर हम थोड़ा मिक्स करेंगे। बहुत ही जायकेदार हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। इसे आप रोटी के साथ खाएं या फिर चावलों के साथ, ये सब बहुत ही लजीज लगती है। अच्छी तरह इसे भी भून लेंगे। ज्यादा हम नहीं भूनेंगे, तकरीबन हम 2 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। इसमें अब हम फ्रोजन मटर डालेंगे। एक छोटी प्याली हम मटर का इसमें डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 4 अदद हम हरी मिर्च डालेंगे। फिर इसे हम भूनेंगे। 1 मिनट और हम इसे भून लेंगे। भूनने के बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी हम इसमें 1 cup जितना डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे। पानी डालने के बाद लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हम इसे लिड लगाकर पकाएंगे। लिड लगाकर अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो गया है, लिड हटा देंगे और बहुत ही प्यारी से इसमें से खुशबू आ रही है। अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आलू देखें अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और साथ ही गोभी भी हमारी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को हाई करेंगे। हाई फ्लेम करके हम इसे थोड़ा भुनेंगे। अब इसमें 1 tablespoon भरकर हम कसूरी मेथी डालेंगे। इसे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारी सब्जी में, खुशबू भी बहुत ही प्यारी आती है कसूरी मेथी की। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी है। जो सब्जियां नहीं खाते हैं ये रेसिपी अगर ट्राई करेंगे तो यकीनन सब्जियां खाना शुरू कर देंगे और गोभी की रेसिपी में ये बेस्ट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्लेम ऑफ करने से पहले हम इसमें फ्रेश हरा धनिया छिड़केंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि फ्लेम को कर देंगे ऑफ। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी बनकर हो गई है तैयार। तो आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में देना मत भूलिएगा और इस मजेदार सी आलू गोभी की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए।